मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे के अंबरनाथ में 960 साल पुराने शिव मंदिर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर ही मुस्लिम समाज के लिए कब्रिस्तान बनाया जा रहा था, मगर इसके विरोध में हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर गए और अंबरनाथ शिव मंदिर से लेकर उल्लासनगर महापालिका तक मोर्चा निकाला गया। आंदोलनकारियों का कहना है कि यहाँ पर दफन भूमि नहीं चाहिए। इस स्थान पर हर साल लाखों लोग गणेश विसर्जन घाट और शिव मंदिर यात्रा में भाग लेते हैं। इन सब पर नगर निगम के लोगों को ध्यान देना चाहिए, मगर ये आस्था से खिलवाड़ हो रहा है। कुछ नेताओं और अधिकारियों के फायदे के लिए शिव मंदिर से बिल्कुल बगल में ही कब्रिस्तान बनाने का काम शुरू किया गया है। इस मोर्चे में अयोध्या धाम के जगत गुरु परमहंस आचार्य भी शामिल हुए थे। उन्होंने बताया है कि उन्हें आश्वासन दिया गया है कि मंदिर के पास कब्रिस्तान नहीं बनाया जाएगा, इसका काम रोक दिया गया है। हालांकि इस आश्वासन मिलने के बाद अयोध्या धाम के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने क्या कुछ बताया है वो भी आपको सुनाते हैं, और अंबरनाथ के ग्रामवासियों ने भी क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, मैं अयोध्या रहता हूँ, मुझे लोग जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं। यहाँ से लोग जाकर के जब बताए, अंबरनाथ का मंदिर अति प्राचीन शिव मंदिर है और वहाँ पर कब्रिस्तान की बात सुनकर के मैं हैरान हो गया। वहाँ से चल करके मैं आया हूँ, अभी हमारी बात हुई, वहाँ अब कब्रिस्तान नहीं बनेगा, ये आश्वासन मिल गया है, काम रोक दिया गया, स्टॉप कर दिया गया है। अब किसी भी धर्म स्थल को दूषित करने का दुस्साहस किया जाएगा तो हम साधु संत धर्माचार्य उसके लिए जो है आंदोलन से लेकर के जो भी बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। और मागणी केली होती महापालिका एमएनकडे आणि काय त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला? आमची सर्व अंबरनाथकरांची आणि विशेषतः ग्रामस्थ मंडळ अंबरनाथ गाव यांची एकच मागणी होती की शिव मंदिराच्या परिसरामध्ये जे कब्रस्थानाचं बांधकाम सुरू होतं, वास्तविक ते अनाधिकृतच बांधकाम आहे, परंतु तरी देखील ते अतिशय जोराने काम सुरू होतं, फक्त हे काम थांबवून त्या ठिकाणी जो गणेश घाट आहे म्हणजे गणपती विसर्जनाचा जो घाट आहे तो तसाच कायम ठेवावा आणि शिव मंदिराचा जो परिसर आहे तो तिथलं पावित्र्य कायम राखण्यासाठी या ठिकाणी आयुक्तांनी आम्हाला सहकार्य करावं एवढी आमची मागणी होती। काय प्रतिसाद दिला आयुक्तांनी? आयुक्तांना आम्ही याच्यापूर्वी देखील पत्रव्यवहार केलेला आहे, अनेक संघटनांनी केलेला आहे, ग्रामस्थ मंडळ अंबरनाथकरांनी देखील केलेला आहे, पण त्यावेळेला त्यांचं काही उत्तर आम्हाला येत नव्हतं। परंतु त्याच्यामुळे हा आज आपण जो मोर्चा बघताय, मोर्चाचं जे भव्य स्वरूप आपण बघितलं की हजारोच्या संख्येने आज या ठिकाणी सर्व अंबरनाथ परिसरातील लोक आलेले आहेत, तर त्याचं कारण की याच्यापूर्वी जर आम्हाला आयुक्तांनी याचं उत्तर व्यवस्थित दिलं असतं किंवा काम थांबवलं असतं तर आज ही मोर्चाची वेळ आली नसती। आता आम्ही मोर्चा घेऊन या ठिकाणी त्यांना निवेदन दिलं सविस्तर की या ठिकाणी जो आपण ठराव जो घेतलेला आहे तो विखंडित त्वरित करावा। आता त्यांच्याशी बोलणी केल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की आम्ही त्वरित आम्ही हा ठराव विखंडित करण्यासाठी शासनाला तसा अहवाल देतो आणि तशा प्रकारचं पत्र त्यांनी आम्हाला या ठिकाणी देऊन आश्वासित केलेलं आहे, परंतु तरी देखील आज आम्ही अंबरनाथ शहराच्या वतीने आणि अंबरनाथ ग्रामस्थांच्या वतीने या ठिकाणी सर्व मीडियाला सांगू इच्छितो की या ठिकाणी हे जे आंदोलन आहे हे एक भावनिक आंदोलन आहे। जर आम्हाला दिलेलं आश्वासन त्यांनी पाळलं नाही किंवा शासनाने आमच्याकडे जर दुर्लक्ष करून हे काम असंच सुरू राहिलं तर शेवटी पुढचं जे आमचं आंदोलन असेल किंवा मोर्चा असेल हा अत्यंत तीव्र असेल आणि तो महानगरपालिकेवर नसून तो मंत्रालयावर असेल असं या ठिकाणी मी आपल्याला सांगतो।